आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न समय के लिए हमें एक अभिक्रिया दी गई है CaCO3, ठीक है, ठोस अवस्था में है। इसे गर्म करने पर सी कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में है प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है कि साम्य स्थिरांक Kp का मान निम्न में से किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि Kp का मान कैसे अभिक्रिया से कैसे निकाला जाता है। तो Kp का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है उत्पादों का दाब ठीक है जी, बटा में अभिकारकों द्वारा लगाया गया दाब, अभिकारकों का दाब, ठीक है जी। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो अब इस सूत्र में हम मान रख के Kp का मान निकालते हैं, तो हमारे पास Kp बराबर में आ जाएगा P, हमारा पहला उत्पाद है CaO, ठीक है जी, और गुना में आ जाएगा PCO2, ठीक है जी, ये हमारे आ जाएंगे गुना में। और अब इसके भाग में हमारे पास आ जाएगा उत्पादों का आंशिक दाब, तो वो हमारे पास आ जाएगा PCaCO3, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारा ये मान आएगा। अब देखिए, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है जी, CaCO3, ये क्या है, ठोस अवस्था में उपस्थित है। और हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी हमारा कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और जो PCO2 है केवल यही जो है वो गैसीय अवस्था में उपस्थित है, ठीक है जी। तो जो CaCO3 का जो दाब होगा, ठोस का जो दाब होता है वो लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है जी, ये क्या होगा, नगण्य होगा। इसका मान भी क्या होगा, नगण्य होगा। जो गैसों द्वारा दाब लगाया जाएगा, आंशिक दाब, उसका मान कुछ होता है, तो इसे हम नगण्य नहीं मान सकते, ठीक है जी। तो देखिए, PCaCO3 से और PCaO इनका मान लगभग बराबर होता है और नगण्य होता है, तो हम इस समीकरण को हल करेंगे, तो हमारे पास Kp का मान आ जाएगा बराबर PCO2, ठीक है जी, PCO2 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि CaCO3 और CaO का जो आंशिक दाब है उसका मान क्या हो गया, नगण्य हो गया, ठीक है जी। तो देखते हैं किस विकल्प में हमें यही दिया गया है। तो देखिए, पहले विकल्प में हमें दिया गया है Kp बराबर PCaO प्लस PCO2, तो प्लस में नहीं होते, ये गुना में होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे विकल्प की बात करें तो उसमें दिया गया है Kp बराबर PCO2, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है जी, ये विकल्प सही है, ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे के विकल्पों को देखते हैं, तो उसमें दिया गया है Kp गुना PCaO गुना CO2 बटा में CaCO3, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा CaO और CaCO2 का मान है वो लगभग नगण्य आता है, ठीक है जी, इनके आंशिक दाब का मान नगण्य आता है। और चौथे विकल्प में Kp गुना में दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सभी विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि केवल विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।